व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी फेवरेट होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं हमारा फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। व्यूअर्स, इस वक्त हम हैं अनारकली बाज़ार में। आपको पता है ये कितना मशहूर बाज़ार है। यहाँ पर हर किस्म की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, ज्वेलरी है, बच्चों के कपड़े हैं और कुछ मैंने एक देखा है यहाँ पे सेकंड हैंड कपड़े भी यहाँ पे मौजूद हैं। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते या अफोर्ड कर भी सकते हैं, वो चाहते हैं कि वो बचत कर लें, थोड़ी सी किफ़ायतशुमारी कर लें, तो वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर आएँ, थोड़ी सी मंचिंग करें, खाएँ पिएँ, टाइम स्पेंड करें और अपनी चीज़ लें और चले जाएँ, इंजॉय भी करें। आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज के सवाल से और सवाल हमारा आज का ये है कि वो क्या चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से आगे है। है ना मज़े की बात, ये क्या हो सकता है? अब आप लोग कह रहे होंगे लो ये हो ही नहीं सकता, अमेरिका जो है वो पीछे हो सकता है पाकिस्तान से, लेकिन ऐसी एक चीज़ है। आपने अपना दिमाग लड़ाना है, प्रोग्राम के एंड में मैं आपको जवाब दूंगी इसका। और चलिए बढ़ते हैं, इर्द गिर्द लोग हैं काफ़ी, आपको पता है इन दिनों में आजकल तो सर्दियाँ हैं, वेडिंग सीज़न भी है। कुछ टाइम ऐसा भी आता है कि जिसमें बाज़ारों में इतने धक्के पड़े होते हैं, लेकिन वो भी एक मोमेंट होता है, वो भी आप इंजॉय कर रहे होते हैं। बढ़ते हैं प्रोग्राम का आगाज़ करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली रज़ा, क्या करते हैं अली रज़ा? ये किस चीज़ का स्टॉल है? ये गारमेंट्स का शॉप है, अपर गरम जैकेट अपर वगैरह है। क्यों है ये? आज नहीं है, फ्रेश है। क्या बजट है वैसे? बजट कितने के में ये है हुडी? ये 1250 से 1050। गरम है? गरम। अच्छा, मुझे बताएं एक सवाल है हमारा कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से आगे है? इसका नहीं पता। सोचे ऐसा क्या हो सकता है कि हम अमेरिका से भी आगे हैं? ये नहीं हो सकता क्योंकि सबसे मुसलमान हम सबसे आगे होंगे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब आ रहा है, आप कोई आइडिया दे दें। आगे आओ जी, मुसलमान हम सबसे आगे, हम सब पे भारी हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? ये तकरीबन 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से कर रहे हैं, सही? इसमें मुनाफा है? बिजनेस के क्या हालात चल रहे हैं? क्या शुक्र है अल्लाह का, सब ठीक, कारोबार सही चल रहा है? हां जी ठीक चल रहा है। हुकूमत से आप खुश हैं? हुकूमत से खुश नहीं है। क्या किया हुकूमत ने? हां जी, ये इसके बारे में ये हमारे चेयरमैन साहब बताएंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। व्यूअर्स, आपने देखा 10 साल से ये काम कर रहे हैं और सवाल का जवाब नहीं दे सके। हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। मेरे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम, क्या करते हैं आप? हम काम करते हैं। काम करते हैं, सही काम चल रहा है। बिजनेस के हालात कैसे चल रहे हैं आपके? शुक्र है सब ठीक ठाक है। ठीक है, तो बताएं मुझे कि अगर कोई और बिजनेस करना पड़े तो करेंगे या यही करेंगे? जब ये बिल्कुल ठीक जा रहा है तो नेक्स्ट बिजनेस करने का फायदा ही कोई नहीं। न्यू जो लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको क्या आइडिया देंगे, किसमें ज्यादा मुनाफा है, कौन सा काम जल्दी चल जाता है? हर काम जल्दी चल जाता है, ये तो हुकूमत के ऊपर फैसला होता है ना। हुकूमत को चाहिए डॉलर को नीचे लेके आए, हुकूमत डॉलर नीचे लेके आएगी तो कोई भी इंसान कारोबार कर सकता है, वो बेहतर नतीजे में उसका नतीजा आ सकता है। अच्छा, डॉलर से मुझे जहन में आया कि वो क्या चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से आगे है? पाकिस्तान अमेरिका से आगे है, मैं आपको पहले बात बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम मुसलमान हैं, हम उन पे भारी हैं और हम सबसे आगे हैं। चाहे हमारे मुल्क में महंगाई है, जो कुछ भी है, सब कुछ हम चक्की में पिस रहे हैं। तो अभी आप कह रहे थे कि डॉलर को कम करें, डॉलर तो अमेरिका का है। अमेरिका का डॉलर है ना, तो वो भी इंशाल्लाह बंद हो जाएगा, डॉलर भी, ऐसी कोई बात नहीं है, उसका भी कोई ना कोई इलाज आ जाएगा, वो भी बंद हो जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान रुपीज आ जाएंगे ऊपर? पाकिस्तान रुपीज नहीं आ जाएगा, इंशाल्लाह चाइना से आ जाएगा। चाइना से आ जाएगा, अमेरिका खुद ब खुद बंद हो जाएगा। नो, यही लगता है इंशाल्लाह, और होगा जरूर। चाइना गए हुए आप? गए हुए चाइना? नहीं, चाइना गए नहीं, हमारे ओनर जाते हैं चाइना, और इंशाल्लाह एक वक्त आने वाला जरूर है, अमेरिका चला जाएगा सबसे पीछे और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ऊपर ही आएगा, चाहे जो कुछ भी हो। जो मैं आपको बताऊं, चाइना के ऊपर जाने से पाकिस्तान कैसे ऊपर आएगा? मैं बताता हूं, 70 साल से इसको लोग खा रहे हैं, इसको तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें दुआएं हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। इस मुल्क का कोई कुछ भी कोई बांगा हिला ही नहीं सकता इसको, ये 70 सालों से खा रहे हैं, जो भी खा रहा है इस मुल्क को, लेकिन ये आज भी वहीं पे खड़ा हुआ है। और मुझे बताएं कि पाकिस्तान छोड़ने का मौका मिले तो जाएंगे? नहीं, हम अपने पाकिस्तान में ही रहेंगे। जब यहाँ पे मुल्क सही है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार सही है, काम सही है हमारा, हर चीज़ यहाँ पे, हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो हमें क्या जरूरत? अमेरिकन पासपोर्ट मिले तो जाएंगे? नहीं नहीं, क्यों लेना, जब पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहेंगे, इसी मिट्टी में जाएंगे। क्या बात है, ज़बरदस्त। मतलब आपको पता है ज़्यादातर जो आपके जैसे लोग हैं या यंग यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के लड़के लड़कियाँ हैं और जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी तो कोशिश है कि बच्चे जैसे ही थोड़ी पढ़ाई मुकम्मल करें इन्हें बाहर के मुल्क भेज दें। करें ना, यहाँ पे इन्वेस्ट करें अपने बच्चों। बताएं यहाँ पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, माँ बाप को मैसेज दें, बच्चों को दें कि यहाँ पर रह के कारोबार कर लें? यहाँ पर रह के बिल्कुल कारोबार हो सकता है, क्यों नहीं? देखें, हमने सिखाया ही ये गया हुआ है कि सिर्फ
काम काम काम। बच्चों को अगर आपके पास इतनी सहूलियात हैं तो आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, पाकिस्तान में ही पढ़ाएं, यहाँ पे क्यों नहीं है पढ़ाई, यहाँ पे भी सबसे अच्छी पढ़ाई है, खाना खिलाएं उन्हें अच्छे से अच्छी, हर चीज़ यहाँ पे फैसिलिटी है, यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेज हैं, यहाँ पे पढ़ाएं, यहाँ पे कारोबार करवाएं। डॉक्टर बच्चे बन रहे हैं आजकल, सबसे लेवल आगे जा रहा है, उलमा बन रहे हैं लोग यहाँ पे, क्यों नहीं बनते? डॉक्टर्स तो कह रहे हैं, माँ बाप कह रहे हैं, हमने इतना पैसा लगा लिया लेकिन अब उतनी डॉक्टर्स को इनकम नहीं आ रही। इनकम क्यों नहीं आती मेरी बहन? ये जो आप अस्पतालों में चले जाएं, जिनके क्लिनिक्स हैं, कमा रहे हैं, सब चीजें कमा रहे हैं, ये तो एक बहाना है। देखें, अब एक इंसान की इनकम है, एक गरीब उन क्लिनिक से इलाज नहीं करवा सकता। मेरी बहन देखें, गरीब तो गरीब है ना, ये तो फिर हुकूमत को चाहिए ना कि हर चीज़ को नीचे लेके आए। जो गरीब तबका है, जैसा बिल्कुल, जो बिल्कुल लो लेवल है, जिसने कमाना ही 30,000 है, 35,000 है, 40,000 है, अभी हुकूमत को चाहिए उनका ख्याल रखना चाहिए। हम लोगों को भी चाहिए जो ऊपर लेवल के हैं थोड़े से, उनका ख्याल रखें। ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है, खाली हुकूमत का काम नहीं है, ये आपका भी काम है, ये मेरा भी काम है, दाएं बाएं ये सबका काम है। यही आपका पैगाम है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पैगाम है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, आपने बातें इनकी सुनी, और ऐसे भी कुछ लोग हैं इस वक्त जो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में ही रहना है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, यहीं पर काम करें, यहीं पर सब कुछ करें, और बेशक आप बाहर घूमने फिरने जाएँ, अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया है, जहाँ मर्जी जाएँ, जिस मर्ज़ी मुल्क में जाएँ घूमने के लिए जाएँ, लेकिन ऐसे मत करें कि आप वहाँ पर परमानेंट शिफ्ट हो जाएँ, पाकिस्तान के लिए कुछ करें। तो हम बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं, लोगों से बात करते हैं और वो क्या कहते हैं। आज आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? इमरान। इमरान, आप क्या करते हैं? ये क्या लगाया हुआ है? पैंट लगाई हुई है जी। पैंट लगाई हुई है? हर किस्म की पैंटे हैं? हाँ जी बिल्कुल जी। न्यू है, सेकंड हैंड? ये सेकंड हैंड है। सेकंड हैंड है, तो कितने की बेच रहे हैं आप? ये हम बेच रहे हैं जी 400 की, 300 रुपए की, क्योंकि कुछ वाम ऐसी है, गरीब है, वो ज्यादा पैसे फोल्ड नहीं कर सकती। और कुछ जो गरीब बनने की कोशिश करती हैं उनका क्या करें? अभी तो वो जो गरीब बनने का कोशिश कर रहे हैं उन्हें पकड़े, जैसे ये बड़े सियासतदान लोग हैं। अच्छा ठीक है, अब कहते हैं कि हम गरीब हैं। नहीं, गरीब नहीं है वो। माल कहाँ से उठाते हैं आप? जहाँ से भी मिल जाए, लंदन से मिल जाए या कराची से आ जाए। ठीक है, कराची से आ जाए। मुझे बताए कि वो क्या चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमरीका से आगे है? अमरीका से पाकिस्तान आगे है, इस चीज़ का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारा पाकिस्तान है ही पीछे सबसे। तो पीछे है, तो पीछे है। पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है? है मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत है, लेकिन काम कोई ऐसे करे कि सबसे आगे जाए। ये तो सबसे पीछे है, करेंसी में लगा ले पीछे है। ठीक है, हर चीज से पीछे है वो। हर चीज। शादी हुई भी आपकी? होनी माशाल्लाह जरूर। कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह मेरे 3 हैं, 2 बेटे। माशाल्लाह क्या बात है, 2 बेटियां और 1 बेटा, माशाल्लाह। क्या बनाना चाहते हैं उन्हें? मैंने क्या बनाना चाहता हूँ उन्हें? मैं तो कहता हूँ वो पढ़ लिख के, अगर आप कहें ना कि पढ़ लिख के ज्यादा पढ़ जाए, कोई जॉब अच्छी मिल जाए, तो वो नहीं है। कई रुल रहे हैं यहाँ पे, कोई मांग रहे हैं वो नहीं है। अच्छा, मैं मांगने से, वैसे आपने देखा होगा कि आप काम कर रहे हैं, मेहनत वाला काम कर रहे हैं, आपकी खुद की पढ़ाई कितनी है अगर आप बताना चाहें? मैं 10 जमाते पढ़ा, 10 जमाते पढ़े हुए हैं। तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा हुआ, बस ऐसे ही काम कर लें। बहुत कुछ है पढ़ाई में, ये नहीं क्या नहीं है, लेकिन पढ़ाई करके उसका कोई फायदा होना चाहिए। पछतावा है आपको कि आप पढ़ लेते आगे? नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं, पछतावा नहीं, पछतावा नहीं। अगर अभी मौका मिले, सुने, अगर पछतावा इस चीज़ का होता कि मैं ज़्यादा पढ़ लेता, आगे नौकरी ना मिलती, तो फिर भी यही काम था, या कोई रेड़ी लगा लेनी थी, या फिर किसी दुकान पे मुलाजमत कर लेनी थी, या फिर स्टॉल लगा। लोग हैं वो हाथ फैला लेते हैं लेकिन वो काम नहीं करते, सुस्ती बात है। तो उनको आप क्या पैगाम देंगे? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द के लोग भी होते हैं, कोई हमारे खानदान में भी ऐसे लोग होते हैं, हमारे बीच में ही कोई ना कोई खड़ा, में कोई हो जो कहता है कि बस पकी पकाई रोटी मिल जाए। उनसे ये गुजारिश है कि वो मेहनत करें, चाहे कागज उठा लें, चाहे कोई चीज करें, करें जरूर, ये हाथ फैलाने से गलत बात है। अनारकली में कितने अरसे से आप? मुझे हो गया तकरीबन 2 साल। 2 साल हो गए। किसने बताया कि यहाँ पर आए? किसने बताया यहाँ पे आए? मेरे खुद दिल ने कहा। हाँ। दिल की सुनते हैं, दिमाग की? दिल की। अच्छा, आप दिल की सुनते हैं? दिल की सुनते हैं। हालांकि मर्द कहते हैं कि मर्द दिमाग से सोचता है और औरत दिल से सोचती है, वो हर एक की अपनी अपनी सोच है। आप बताएं कि औरतें जो है वो दिल से सोचती हैं दिमाग से? वो डबल माइंडेड हो जाती हैं जी। औरत की बात करें तो वो डबल माइंडेड है। आपके दिल में कुछ चल रहा है, दिमाग में कुछ चल रहा है, आप मेरे बारे में कुछ सोच रही है लेकिन जेहन में कुछ आ रहा है। औरत की बात करें ना तो वो 50-50 हो जाता है। अच्छा, कभी माइंडेड हो, कभी ना, कभी हाँ या कभी ना, ये है। ये औरत के बारे में आपने जांच किया? हाँ बिल्कुल, 100%। ठीक है, कोई पैगाम देना चाहते हो आप? पैगाम यही है सबके लिए कि मेहनत मजदूरी करें, जो बड़े लीडर हैं उनको भी चाहिए कोई सास करें, कम खजाने भरें, अवाम के बारे सोचें, ये है। अरसे से अवाम कह रही है अवाम के बारे में सोचें, कुछ सोच ही नहीं रहा।
अब मेरी बात सुने, आप इंटरव्यू लेने आई हैं, आपने हमारा इंटरव्यू लिया है, ठीक है जी, ये आपका काम है कि ये बातें आगे तक पहुंचानी? मेरा काम है हाँ, क्योंकि इंटरव्यू आप ले रही हैं, मैं नहीं ले रहा। ये आप तो कर रही हूँ कि आपके जरिए पहुंचा रही हूँ। ले लेते हैं, थोड़ा सा चलाते हैं, उसके बाद खत्म जी। कोई सियासतदान को नहीं, इसके पूरे प्रोग्राम में चलाएंगे, इसका पूरा एक्शन होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। आपको बोतल शोतल बिला कर लूँ? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, प्यार है इनका, मोहब्बत है कि बोतल चाय ऑफर कर दिया है। वैसे कुछ लोग अभी यहाँ पे पी भी लेते हैं चाय और बोतल। हम चलते हैं, बढ़ते आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी रजाक। रजाक, क्या करते हैं आप? जी मैं इधर काम करता हूँ। क्या काम बताएंगे? हाँ जी, गारमेंट्स का। गारमेंट्स का काम करते हैं। कितने अरसे से हैं अनारकली में? मैं इधर 25 साल से हूँ। 25 साल से हैं, तो 25 साल से क्या चेंज आपने देखा है? 25 साल पहले अनारकली कैसा था, अब कैसा है? 25 साल तो पहले थोड़ा सादा था, अब लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की है, तो बहुत अच्छा जा रहा है, हर ठेला वेला लगा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, और आप गारमेंट्स का ही काम कर रहे हैं? जी जी। हाँ जी। कभी सोचा आपने कि हम बदल लें? नहीं, निकल नहीं सकते काम में से, पैसे लग जाते हैं उसकी वजह से, हम निकल नहीं सकते काम से। अच्छा, मुझे बताइएगा कि वो क्या चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से आगे है? पाकिस्तान अमेरिका से आगे है? हाँ जी। मतलब मीट सॉरी मतलब पाकिस्तान आगे है? पाकिस्तान कल्चर के लिहाज से बहुत आगे है। No! अच्छा जी जी। पाकिस्तान, अगर आपसे कोई पूछे कि पाकिस्तान की कोई दो तारीफें कर दें, आप क्या बताएंगे कि पाकिस्तान में ऐसा क्या है? पाकिस्तान का तो जवाब नहीं है, जिंदा जिंदा दिलाने लाहौर है, यही बात नहीं। लाहौर शहर बहुत अच्छा है पाकिस्तान का। हाँ जी। और दूसरा क्या कहेंगे? खाने हैं, इसका तो कोई भी शान ही नहीं है पाकिस्तान का, खास तौर से लाहौर में। यहीं पे एक फूड स्ट्रीट भी है ना? जी जी, वो सामने है, फूड मशहूर वहाँ पे। अगर अभी हम जाएं तो क्या ट्राई करें वहाँ पे, क्या खाएं? आप वहाँ पर हाफिज साहब का जूस है वो ट्राई करें, जो पूरे पाकिस्तान में उनका। जी बिल्कुल, वो जो एक बड़े ग्लास से छोटा ग्लास देते हैं। हाँ जी 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 जी, ऐसे ही है। चलें, कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? बस ये सर्दी है, बच्चों के लिए पैगाम है, माओ के लिए पैगाम है कि अपने बच्चों को उनकी पूरी केयरलेस करें, ये मेरा पैगाम है। केयर करें उनकी। हाँ जी, सर्दी से बचें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, आपने देखा कि बड़ा अच्छा उन्होंने पैगाम दिया कि चूँकि आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी है, धूप उस तरह से नहीं निकल रही है, तो जो माएँ हैं वो अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनको कवर रखें, जितनी मर्जी लेयर्स पहनाएं, बस ये भी ना हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, बट उनको देखें अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो उनको कवर करके रखें। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम भूजो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हम हैं अनारकली बाजार में, न्यू अनारकली, पुरानी अनारकली जो भी है, लेकिन है तो बाजार, आए ज़रूर यहाँ पर। और मैंने कुछ चीज़ें देखी है, मुझे बड़ी पसंद आई है, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर इस नीयत से नहीं आई हूँ कि मैं शॉपिंग करूँ, अभी तो हम करने आए हैं, लोगों से बहुत सारी बातें हैं, तो चलते हैं, बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं। और जिन्होंने अभी प्रोग्राम को देखना शुरू किया है वो मत घबराएं, मत परेशान हो, उनको भी दूंगी सवाल आज का जो हम कर रहे हैं। सवाल हमारे ये है कि वो क्या चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमरीका से आगे है। चलते हैं और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरीबा है। अरीबा, आप क्या करती हैं? मैं फिलहाल फ्री हूँ, जॉब सर्च कर रही हूँ आजकल। जॉब सर्च कर रही हैं, तो आप कहाँ से, आप क्या किया हुआ है, क्या स्टडी किया हुआ है? मैं आईटी डिपार्टमेंट से। आईटी डिपार्टमेंट, तो अभी जॉब ढूंढ रही हैं आप, तो क्या लगता है जॉब मिल जाएगी? जी बस उम्मीद तो है, होप सो, बी पॉजिटिव। जॉब क्यों करना चाहती हैं? अम्मा अब्बा तो कहते हैं बच्ची ग्रेजुएट हो फटाफट शादी कर दो उसकी। जी बट मुझे ऐसा लगता है गर्ल्स के लिए हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बिल्कुल, सिर्फ इसीलिए। हमने देखा है हमारे जो आजकल के कुछ मर्द हजरात कुछ इस मेंटेलिटी के हैं, वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट लड़की जो होती है वो बड़ी कहते हैं ज़रा उसका अपर हैंड होता है। ऐसा ही है, और उससे डरते हैं और रिलक्टेंट होते हैं कि उससे हम शादी ना करें। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, बट अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल इस तरह का नहीं सोचते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं जॉब वाली लड़की आए। बिल्कुल, वो इसी तरह चाहते हैं। हालात बड़े ख़राब हो गए ना, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, अब लोग चाहते हैं कि दो लोग इकट्ठे मिल के कमाएँ। मैं मुझे किसी ने बात की थी, अक्सर कोट करती हूँ कि एक कमाता है तो ज़रूरियात पूरी होती हैं, दो कमाते हैं तो ख्वाहिशात पूरी होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप मुझे बताएँ कि आपसे हमारा सवाल है आज का, आप यंग जनरेशन में से हैं, आपको ज़रा नॉलेज भी होगा,
तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से आगे है? हर चीज़ में ही आगे है वैसे तो पाकिस्तान नहीं ना, अमेरिका आगे है। नहीं पाकिस्तान आगे है, एक चीज़ है झूठ बोलने में, धोखा देने में, फ्रॉडबाजी करने में। मुझे आजकल लगता है लड़कियों को धोखे बड़े मिल रहे हैं। बताएं मुझे, अभी अनार के लिए आई हुई है, शॉपिंग के लिए आई हुई है? जी बिल्कुल, शॉपिंग। शादी है? नहीं नहीं, बस ऐसे ही विंटर शॉपिंग। सही, तो मुझे बताएं आजकल तो लड़कियां जो है वो बड़ा मॉल्स में जाके शॉपिंग करती हैं, वहाँ पे तो एक फिक्स प्राइस होती है ना, आपने लेना होता है, तो मॉल में ज़्यादा शॉपिंग करना अच्छा है कि आप बाज़ारों में जाएँ, बार्गेनिंग करें, बहस करें और अपना रेट लेकर शॉपिंग करें? ऐसी बात है, डिपेंड करता है कि आप फाइनेंशियली कैसे हैं। अब हम कभी मॉल्स में भी चले जाते हैं शॉप करवाने के लिए कभी समटाइम्स, लेकिन मोस्टली बाज़ारों में ही जाया जाता है और हर कोई बाज़ारों में ही जाता है ज़्यादातर शॉपिंग करने। मुझे याद है कि जब हम, अभी तो खैर अम्मी उस तरह से बाहर निकलती नहीं है मेरी, जब हम लोग जाया करते थे तो ज़रूर बाज़ार में जाने का बचपन में हमें तो होता था, गोल गप्पे, दही भल्ले, इस तरह की चीज़ तो लाजमी खाएंगे। तो आप ये करती हैं? हाँ जी बिल्कुल, अभी तक ऐसे ही चल रहा है। अभी कुछ खाया पिया आपने? अभी हमने आते साथ ही सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया है, फिर उसके बाद हमने जूस लिया है, देन हम आगे यहाँ पर आए, अब आगे जाते जाते और कुछ ना कुछ खा। मतलब के साथ साथ मंचिंग भी होती रहती है और साथ साथ शॉपिंग भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या खरीद लिया आपने? अभी तो फिलहाल शूज वगैरह ही लिए हैं, अभी अब हम आगे जा रहे हैं स्वीट शर्ट्स लेने के लिए। तो आजकल तो अम्मा अब्बा की पॉकेट मनी पे चल रहे होंगे ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अम्मी कहती नहीं है बेटा बस जल्दी से कमाओ ताकि तुम मुझे भी ला के दो? नहीं फिलहाल वो ये तो नहीं कहती, लेकिन वो ये जरूर कहती है घर बैठो ताकि हम तुम्हारी शादी करें। एक तो अम्मियों को परेशानी लग जाती है कि बस जल्दी जल्दी शादी कर लें। तो फिर आपने कितने साल का टाइम मांगा हुआ है? मैंने तो कोई टाइम नहीं कहा हुआ, लेकिन जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तो वैसे ही हो जाएगी। अम्मा अब्बा ने कहा है कि कोई पसंद है तो बता दो? हाँ जी ऑप्शन होती है हमारे लिए, बट ऐसा कुछ भी तो बड़ी अच्छी बात है कि हालांकि इस चीज़ को बड़ा बुरा समझा जाता है कि बेटियां अपनी पसंद बताएंगी, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो आपकी नज़र में क्या है कि एक लाइफ पार्टनर जिंदगी का कैसा होना चाहिए? एक अच्छा इंसान होना चाहिए, वो अपने लेकर आ रहा है जिसको, उसको समझे, उसकी ज़रूरियात पूरी करे, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो बैठ के उसका आराम से क्लियर करे, ना कि उससे मुँह बना ले, लड़ाई झगड़ा करे, और उस पर ट्रस्ट करे, सबसे बड़ी बात तो है। बस आप कहना चाहती हैं कि कॉन्वर्सेशन ज़रूरी है? जी बिल्कुल, कॉन्वर्सेशन के साथ साथ ट्रस्ट उसको होना चाहिए, ब्लाइंड ट्रस्ट जिसको कहा जाए। अच्छा जैसे हम रिलेशनशिप्स में देखते हैं, हमारे जैसे अम्मा अब्बा का रिलेशनशिप, मेरे अम्मा अब्बा तो बहुत ही लड़ते थे, तो अगर आप अपने अम्मा अब्बा का रिलेशनशिप देखें तो आप क्या चीज़ कहती हैं कि जब मैं मैरिड होंगी तो मैं ये नहीं करूँगी? मेरे पेरेंट्स को मैंने कभी लड़ते नहीं देखा। अच्छा, मेरे अब्बू तो बहुत ही लड़ते थे। नहीं मैंने कभी लड़ते नहीं देखा, इसलिए मैं खुद भी नहीं ये चीज़। अच्छा, मेरे अंदर वो ऐसी लड़ाई नहीं होती थी, मतलब वो ऐसी होती थी कि जिस तरह नोक झोंक वाली लड़ाई होती है, जो एक मीठी लड़ाइयाँ होती हैं, बुरा मान गए रात तक ठीक हो गए बिल्कुल? नहीं वो चीज़ भी नहीं है, बट मजाक में तो किसी को, जैसे सिबलिंग्स में नहीं होता मजाक में छेड़खानियाँ हो रही हैं, वैसे तो पेरेंट्स में होती रहती हैं। आप लोग कितने बहन भाई हैं, कभी ऐसा हुआ छोटे बहन भाई को आपने कहा हो कि हमें तुम्हें कूड़े से उठाया था? बिल्कुल ऐसा ही है, यानी वी ऑल आर सेम। मैं भी कहती हूँ अपने भाई को कि तुम तो हम कूड़े से लेकर आए थे तुम्हें। बिल्कुल ऐसे ही है, हर घर जगह यही होता है, यही स्टोरी है ना। अच्छा मुझे बताएं, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, कोई मैसेज आप देना चाहती हो यंग जनरेशन को या किसी को भी, कोई पैगाम, कोई अच्छी बात आज की करना चाहती हो? नहीं सब मस्त है, अपनी जिंदगी जिए और इतने कुछ नहीं चाहिए, जो करें बस और कुछ नहीं। आई होप, हमारी हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक जल्दी अच्छी जॉब मिल जाए, आप भी स्टेबल हो जाएं और इंडिपेंडेंट हो जाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। व्यूअर्स आई होप आपने इनकी बात सुनी होगी, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। और आपको पता है बाज़ारों में आने का सबसे मज़ा ये है कि आप मंचिंग करते हैं, खाते पीते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, अपना मनपसंद रेट लेते हैं और चीज़ लेके घर चले जाते हैं। बढ़ते हैं हम आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम समीना। समीना आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ हैं। समीना मुझे बताएं, अभी अनार के लिए आई हुई है शॉपिंग के लिए, कैसी गुजरी आपका आज का दिन और शॉपिंग कैसे कर रही हैं? बस कुछ सर्दियों की शॉपिंग थी, कुछ सर्दियां तो बस अब चली जाएंगी कुछ दिनों तक, लेकिन जाहिर है आपको तो शॉपिंग तो चलती रहती है। वैसे मुझे बताएं आप उनमें से हैं जो आपको पता है जब सर्दियों को जाने वाली होती हैं तो सेलें लगना शुरू हो जाती हैं और चीज़ें सस्ती हो जाती हैं? अभी तो एक्चुअली सिस्टर्स ने शॉपिंग करनी थी तो सिस्टर्स आपकी छुप गई हैं। वो भाई के लिए शूज़ देखने। अच्छा, उन्होंने शादी है किसी की? एक्चुअली नहीं, वो कराची से हैं, उनको इतना आइडिया नहीं था तो मुझे साथ लेकर आए हैं कि ज़रा हमारे साथ। आपने नहीं ख़रीदा कुछ अपना? कुछ थोड़ा सा जाहिर है अपने लिए भी मैंने लेना था। चलिए समीना फटाफट आपसे एक सवाल करेंगे, मुझे बताएं वो क्या चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से आगे है? पाकिस्तान, सॉरी यार इस टाइम तो अभी नहीं है मेरे जहन अच्छा, में कोई पैगाम देना चाहती हैं आप? बस मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं, ना करें
भी बेहतर है। अल्लाह करे, सब सबकी यही उम्मीदें हैं। अल्लाह करे इलेक्शंस जो हैं वो जब हों तो हुकूमत कोई बेहतर आ जाए, हुक्मरान वो आए जो आवाम के लिए अच्छा हो। भी आपके वक्त का समीना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि खवातीन यहाँ पर आती हैं, शॉपिंग करती हैं, इस वक्त भी शॉपिंग कर रही हैं। हम उनसे ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं ताकि उनका बहुत सारा टाइम ज़ाया ना हो। आपको पता है वक्त बड़ा कीमती होता है। हम बढ़ते चलते आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुख्तार अहमद। मुख्तार अहमद, आप क्या करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं, तो फिर गाना सुनने का शौक रखते होंगे? नहीं, मैं सुनने का नहीं रखता, मैं खुद बनाता हूँ गाने, खुद लिखता हूँ। खुद लिखते हैं, खुद बनाते हैं। अभी अनारकली में क्या कर रहे हैं? ये मैं मैडम के साथ हैं उधर। अच्छा, मैडम के साथ आए हैं, वो शॉपिंग कर रही हैं और आप बाहर इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर मुझे बताएं, जल्दी से आपसे सवाल करेंगे कि वो क्या चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमरीका से आगे है? झूठ बोलने में। झूठ बोलने में? पाकिस्तानी लोग झूठ बोलते हैं? हाँ जी। किस ज़्यादातर किस बारे में बोलते हैं? हर चीज़ में झूठी है यहाँ पे, कोई सीधी बात नहीं करेगा। अच्छा, चलें फिर आप कुछ सुना दें। आप कह रहे हैं कि आपको गाना आता है, सुना दें। जी, मैंने ये खुद गाना लिखा है और मैं ये पाकिस्तान की सियासत के ऊपर गाना सुनाना चाहता हूँ। किसे नू नी देना ऐसी वोट सारे झूठे ने, किसे नू नी देना ऐसी वोट सारे झूठे ने, डॉलर इथे चल दे, डॉलर इथे चल दे ते नोट सारे झूठे ने, किसे नू नी देना ऐसी वोट सारे झूठे ने, झूठी इथे मीडिया ते झूठे कुछ सहाफी ने, पैसे लेके छापते ए खबरां ते काफी ने, झूठी इथे मीडिया ते झूठे कुछ सहाफी ने, पैसे लेके छापते ए खबरां ते काफी ने, दिंदे ने ए सानू जो, दिंदे ने ए सानू जो रिपोर्ट सारे झूठे ने, किसे नू नी देना ऐसी वोट सारे झूठे ने, गिरवी ने सड़कां ते पुलां इत्थे गिरवी, साडे कुछ मुल्क दे मुल्लां इत्थे गिरवी, गिरवी ने सड़कां ते पुलां इत्थे गिरवी, साडे कुछ मुल्क दे मुल्लां इत्थे गिरवी, गिरवी जहाज सारे, गिरवी जहाज एयरपोर्ट सारे झूठे ने, किसे नू नी देना ऐसी वोट सारे झूठे ने, कर कर बंदे नू जलील विक जांदे ने, जज विक जांदे ने, वकील विक जांदे ने, कर कर बंदे नू जलील विक जांदे ने, जज विक जांदे ने, वकील विक जांदे ने, साडे साबीदारे ते, साडे साबीदारे हाई कोर्ट सारे झूठे ने, किसे नू नी देना ऐसी वोट सारे झूठे ने। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कोई पैगाम देना चाहते हैं आप किसी को? नहीं, पैगाम क्या देना चाहूँ? हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहते हैं? हुकूमत को क्या पैगाम देना है, बस सारा कुछ जो चल रहा है देख रहे हैं सारे, क्या पैगाम नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है, क्या पैगाम दें किसी को? कहाँ से ताल्लुक है आपका पीछे से? रहीम यार खान से। मशहूर चीज़ क्या है वहाँ की? ये वहाँ की मिठाई। मिठाई किसकी? कैफे सजावल की। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, गाना आपने इनका सुना, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। हम बढ़ते हैं चलते आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? इब्राहिम। आपका? सुभान। दोनों किधर जा रहे हो? ये उर्दू बाजार। उर्दू बाजार बुक लेने। बुक लेने? शक्ल से तो तुम लोग नहीं लग रहे किताबें पढ़ने वाले। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 12th कर रहे हैं इस वक्त। कर रहे हो आप? चश्मा क्यों लगाए हुआ, धूप तो है नहीं? ले गया ना अभी, ठंड ना लगे। अच्छा, ऐसे चश्मा लगा के दिखाया कि आंखें मेरी जो है ना वो कलर्ड है। क्या करते हो? जी कुछ नहीं, पढ़ाई मुकम्मल कर ली है? नहीं, सेकंड ईयर में अभी। आप? आईकॉम पढ़ रहे हैं हम, सेकंड ईयर। आईकॉम पढ़े, क्या बनना चाहते हो जिंदगी में, क्या करना चाहते हो? दूल्हा बनना चाहते हो गे? यस। कैसी लड़की चाहिए? प्यारी खूबसूरत। काम ना आता हो बेशक? नो ना ना आए सारा कुछ हो। अच्छा चले ठीक है, बताएं मुझे वो क्या चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से आगे है? करेंसी? नहीं नहीं, एटम बम। एटमी करेंसी हो? नो, वो उससे क्या कहते हैं, एटमी जो होती है यार, वो यार, वो उसे पता लगा पक्का लाहौरी है, अंदरून का है। अभी उर्दू बाजार जा रहे हो अनारकली से होते हुए, हेलमेट कहाँ है? हेलमेट डर गया, डर गया एकदम। हेलमेट तो तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? ये देखे ना, ये मेरा ही है। तो तुम्हारा कहाँ है? मैंने क्यों पहनना है? तो तुम जो पीछे बैठते हो वो भी तो पहनता है? अल्हम्दुलिल्लाह दोनों इकट्ठे पहनते हैं, हम दोनों इकट्ठे पहनते हैं, दोनों की गर्दन एक हेलमेट में आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखे कितना, ये देखे। अच्छा
चलो ठीक है, कोई पैगाम देना चाहते हो? नहीं नहीं, आप महंगाई काम करें, महंगाई काम करें। अच्छा मुझे बताओ कि बताया नहीं तुम क्या बनना क्या चाहते हो इससे बड़े होकर? इससे बड़े होकर बताओ, हंस रहे हो? अम्मी अबू का सहारा बनना चाहते हैं। सहारा? आप? मैं भी सहारा ही बनूंगा। सहारा ही बनेंगे? तो सहारा बनोगे तो कोई बिजनेसमैन बनोगे, कोई नौकरी करोगे, क्या करोगे, क्या बिजनेस करोगे? फिलहाल कहीं पता नहीं अभी। तुम बताओ। मैंने लगना है पुलिस में। पुलिस में लगना है? अच्छा, और तुमने इसलिए दोस्ती रखी हुई है कि इसने पुलिस में जाना है? अल्हम्दुलिल्लाह हम भाई हैं एक तरह के। दोनों भाई हो? सगे? नहीं नहीं, है दोस्त है वैसे, एक दूसरे के भाई। अगर ये तुमसे तुम्हारी जान मांग ले क्या करोगे? हाजिर है, हाजिर है भाई। जान इतनी सस्ती नहीं होती, दोस्तों के लिए सारा कुछ हाजिर है। कभी तुमसे कहे कि दे दे मुझे 50,000 रुपए? तो दूंगा, कहते एक दफा होंगे तो दोगे ना? तो देंगे, जैसे मर्जी दे, अगर ना भी होंगे फिर भी लेके देंगे किसी से। आप क्यों हंस रहे? ये 50,000 की बात सुन के हंसा हूं। अरे चलो, कितना पेट्रोल है अभी बाइक में? वादू है, किधर जाना? मैं तो बैठ ही नहीं सकती ना। दफा दूर, चलो जाओ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शरारती बच्चे, व्यूअर्स आपने देखा ऐसे शरारती बच्चे भी हमें मिल जाते हैं, छोटे भाइयों की तरह होते हैं, बच्चों की तरह होते हैं। व्यूअर्स यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, प्रोग्राम बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें अनारकली बाजार में, और आपको पता है ये बहुत ही मशहूर बाजार है, यहाँ पे लोग आए हुए, हम करें उनसे बहुत सारी बातें और करें आज का सवाल। सवाल हमारा आज का ये है कि वो क्या चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से आगे है। हम बढ़ते हैं, चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं, बहुत सारी बातें करेंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? इब्रार। इब्रार क्या करते हैं? मैं बीबी ऑनर। बीबी ऑनर्स कर रहे हैं। अभी अनारकली में क्या कर रहे हैं? मैं इधर शॉपिंग के लिए आया। शॉपिंग के लिए आए हैं, सही। क्या बजट लेकर आए हैं आज? मैंने एक बस स्वेटर परचेज करना है, वो लेने आया हूं। क्या परचेज करना है? स्वेटर। स्वेटर अच्छा लेना है, तो लड़कों को ज्यादातर जैकेट्स पसंद होती है। वो मेरे पास है। वो आपके पास है? यहीं से शॉपिंग करते हैं अनारकली से? नहीं नहीं, डिफरेंट मार्केट से। डिफरेंट मार्केट से करते हैं। चलिए मुझे बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से आगे है। पाकिस्तान अमेरिका से आगे है? ब्रार मुश्किल में पड़ गए हैं। अभी किसी की शादी आ रही है? शादियों का सीजन है ना। शादी गुजर गई है कजन की। कजन की कितनी सलामी दी थी? 5,000। 5,000? इतनी ज्यादा दे दी सलामी? कजनों को तो आराम से 1,000-2,000 दे के फारिग करवाते। नहीं, वो भी तो देगा ना मेरी शादी में। ये होती है लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। हमारे अम्मा अब्बा जब कहीं शादियों में जाते हैं ना, तो पैसे देते हैं कि वही वापस आएंगे। आपको वो ज़माना याद है जब सलामियाँ लिखी जाती थी? ऐसा ही अभी भी लिखी जाती हैं। अभी भी लिखी जाती हैं? अच्छा, अभी तो नहीं, मैंने आजकल सुना। मगर हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो तो लिखते हैं। लिखते हैं अभी भी सलामी? वैसे कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। क्यों शर्मिंदगी वाली बात है? तो याद है कुछ लोग जो है ना खाली लिफाफा भी दे जाते हैं। शायद, मगर हमारे साथ ऐसा नहीं। के साथ नहीं हुआ कभी। तो आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या गोल्स हैं लाइफ के आपके? मेरे लाइफ के, मैं मीडिया की किसी फील्ड में ही जाना चाहता हूँ। मीडिया की फील्ड में? एज इन क्या जाएंगे, एंकर जाएंगे, क्या बनना चाहते हैं, किसी ऑफिस जॉब करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? मुझे एक्टिंग का शौक है। एक्टिंग का शौक है? कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है? कोई भी हो कैरेक्टर, स्पेसिफिक नहीं। कोई होगा ना, इमोशनल कैरेक्टर, कोई कॉमेडी कैरेक्टर, क्या अच्छा कर लेते हैं आप? कॉमेडी नहीं, सीरियस कैरेक्टर हो, जिस तरह सीरियस कैरेक्टर हो वो ज़्यादा पसंद है आपको। तो अभी कुछ करना चाहेंगे ऑन कैमरा? नहीं नहीं करना चाहेंगे। एक्टर को शर्माना नहीं चाहिए? जब ऑडिशन होता है ना, मैं आपको अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ, तो वो 10-15 लोगों के सामने कहते हैं बोलें, ऐसा क्या करेंगे? तब देखेंगे। चलिए ठीक है, कोई पैगाम देना चाहते हैं? नहीं, कोई पैगाम नहीं है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स आपने देखा, इस तरह हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनके अंदर बहुत टैलेंट होता है। अभी तक सवाल का जवाब व्यूअर्स हमें नहीं मिल सका। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद अरशद राणा। अच्छा, तो अनारकली बाजार में इस वक्त आप क्या बेच रहे हैं?
बस बात अपना गुजारा कर रहा हूँ ताकि डॉक्टर मेरे कमर की हड्डी टूटी हुई है इसका इलाज के लिए फिर ऐसे घूमता फिरता हूँ महंगाई बहुत है महंगाई कम करो। रहते कहाँ पे आप? रहते ऐसे ब्राह्मण खाने जो अपना गाँव बनाए उधर रहता हूँ। अच्छा ठीक है, तो आप घर में बैठे हैं और कोई नहीं है कमाने वाला? नहीं, नहीं, मैं खुद अकेला हूँ, मैं बस। बच्चे कहाँ हैं? मैं शादी नहीं मैंने की हुई। शादी ही नहीं की? हाँ। अच्छा चले, तो कितने अरसे से आप यहीं पे अनारकली में? बस ऐसे इधर घूम के अपना गुजारा करता हूँ बेटे। अच्छा गुजारा कर रहे हो रहे गुजारा? बस ऐसे ही है, बस आधा बालक है। ये खरीदते हैं खुद आप खरीदते हैं? नहीं खरीद के बस देता हूँ, देखो देता दे देता हूँ ना देता तो फिरता रहता हूँ। अच्छा, तो दो वक्त की रोटी मिल जाती है? हाँ अल्लाह पाक का शुक्र है, बस रोटी तो देने वाला वो है अल्लाह की जात है। अल्लाह की जात है। बहुत शुक्रिया, कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? हाँ, कोई हुकूमत को चाहिए को आवाम के बारे में सोचे को थोड़ा बता नरेंद्र करे ताकि सुकून आए आवाम को भी। आवाम भी परेशान है, हम भी परेशान हैं, ताकि परेशानी जब आवाम की होगी तो सब जो हुक्मरान के पर परेशानी है। बहुत शुक्रिया और अल्लाह आप लोग आपके लिए आसानी करे। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आपको पता है लोग कैसे कैसे हालात में हैं, जब हम लोग इन लोगों से मिलते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हम कितने खुशहाल हैं, हम कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको पता है कि अक्सर हम परेशान हो जाते हैं और ये कहा जाता है कि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, चाहे आप फाइनेंशियली परेशान हो, चाहे जिस तरह की परेशानी हो, तो आप लोगों को अपने से नीचे लोगों को देखना चाहिए। अल्लाह ने आपको सेहत दी हुई है, दो आंखें दी हुई हैं, कान दिए हुए हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। वक्त गुजर ही जाता है चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, तो परेशान मत हो और ऐसे लोगों से मोटिवेशन आपको लेनी चाहिए। अक्सर मैं खुद भी परेशान हो जाती हूँ, जैसे कि मैंने इनको देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ कि किस तरह से लोग हालात गुजार रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, हीटर लगे हुए हैं आजकल कमरों में हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसका शुक्र अदा करना चाहिए। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है? इफ्तिखार। क्या करते हैं आप इफ्तिखार साहब? ये हाथ में आपके सामने बिजली का काम करते हैं। बिजली का काम करते हैं? अच्छा, बिजली के तारों को छेड़ते हैं? जी हाँ बिल्कुल। उन्होंने आपको छेड़ा? छेड़ते ही रहते हैं, ये तो काम है, काम का हिस्सा है। तो आप मुझे बताएं कि अपना ख्याल भी रखते हैं साथ, अपनी कोई प्रोटेक्शन भी रखते हैं? इस महंगाई के दौर में आप कौन सी प्रोटेक्शन रखवाएंगे, घर का पूरा करेंगे या अपने अपने आप पे लगाएंगे हम? अच्छा, नहीं कोई ऐसी चीज, कोई कवर वगैरह कुछ ऐसे पहनते नहीं है? दस्ताने वगैरह पहन लेते हैं, मगर अब नहीं किसी टाइम पहना जा सकता। आपने ये काम किससे सीखा? माशाल्लाह 63-64 साल मेरी एज है बेटा, और मैं अभी भी काम सीखूंगा। अब मैं पूछ रही हूँ आपने कब किससे सीखा था? हमारे उस्ताद जी मर गए। आपके उस्ताद होते हैं ना, आप उनका नाम लेते हैं हमेशा, तो उनका नाम लेना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल लेंगे जी। बताएं। सुहेल नाम था उनका, वो फौत हो चुके हैं और मेरे ख्याल उनको फौत हो 25 साल हो गए। चले मुझे बताएं कि वो क्या चीज है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से आगे है? ये बड़ा आपने अजीब सा सवाल किया है। No! पाकिस्तान अमेरिका से आगे है, बेईमानी और चोरी में ही होगा, और इससे ज्यादा क्या होगा? No! नहीं, आपको पता है कि अमेरिका में ज्यादा चोरियां होती है, वहाँ पे क्रिमिनल रेट बहुत ज्यादा है, क्राइम रेट बहुत ज्यादा है वहाँ। यहाँ मुझे बताएं कौन सा कम है जी, किस जगह पे कम है? यहाँ पे, यहाँ पे। लेकिन अमेरिका में पाकिस्तान से, जहाँ अमेरिका पाकिस्तान से हर चीज में आगे है, वो वहाँ पे क्राइम रेट में भी आगे है। मेरी बात सुने कि वो जो क्राइम रेट है उनका या जो भी है, यहाँ पे मतलब जो जुर्म करता है वहाँ पे तो वो सजा मिल जाती है फौरन। तो आप कोई पैगाम देना चाहते हैं देखने वालों को? मैं तो यार यही कहूँगा बेटा, अपने मुल्क के साथ प्यार करो और अपनी कौम के साथ प्यार करो, कानूनी अदारे जो भी हैं किसी को बुरा मत कहो, अपने आप को सुधार लो, सारे सुधर जाएंगे। मैं तो ये जानता हूँ बस, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता, अनपढ़ आदमी हूँ, दुनिया घूमा हूँ, मगर बस मैंने तो यही सीखा जो हदीस और कुरान कह रही है, जो अल्लाह और अल्लाह का रसूल फरमा रहा है कि आप खुद अच्छे हो जाओ, सारे अच्छे हो जाएंगे। जब मैं बुरा होऊंगा तो बेटा आप भी बुरी हो जाएंगी, साफ जाहिर है। मैं आपको अच्छा कहूँगा तो आप मुझे बुरा नहीं कहेंगी। तो हमारे यहाँ रूटीन हो गए जी, वो फलाना बुरा है, वो बुरा है, चोर है फलाना। यार तुम कितने के सही हो,
जैसी आवाम होगी वैसे ही हुक्मरान होंगे, साफ जाहिर है, ऐसा ही है। लेकिन हम हमेशा हुकूमत से ही गिला करते हैं, पहले हम तो ठीक हो जाएं। देखे ना अब बेटा, बात यह है कि जब एक शख्स, अब एक मोटी सी मिसाल ले लें, आप मैं बिजली का काम करता हूँ, तो क्या आपका क्या ख्याल है कि दुकानदार या कोठी वाले चोरी नहीं करते? गवर्नमेंट अदारे वाले चोरी कराते हैं। हमें तो तार ही लगानी है, हमें तो मजदूरी मिलनी है, हमें तो कोई एतराज़ नहीं। आप कहती हैं कि ये तार यहाँ से यहाँ जोड़ दो, हमने जोड़ देनी है, आप जाने हैं गवर्नमेंट जाने। अब इस बात को आप ये देखें कि जब मुल्क के साथ ही खुद वफादार नहीं हो तो क्या बनेगा, कुछ बनेगा? उस मुल्क का बेड़ा गर्क ही होगा। सही कह रहे हैं आप। 10 रुपये की चीज़ मैं लाता हूँ, मैं कहता हूँ यार 12 रुपये की है, अब उसी चीज़ को मैं 50 रुपये की बेचूँगा, तो इसमें हुकूमत का क्या कसूर है? नाजायज़ मुनाफा है ना, ये नाजायज़ है, ये तो दीन भी मना कर रहा है। जिसका जहाँ दाव लगता है वो लगाता है। बिल्कुल ऐसे ही आजकल बेटा ऐसे ही चल रहा है कि दाव हर तरफ से जो जिसका जहाँ लग रहा है वो लगा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, जैसे कि उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी और सही बात कही कि जिसका जहाँ दाव लगता है वो लगाता है। अगर एक इंसान चीज़ ख़रीद रहा है 10 रुपये की और उसको बेच रहा है 50 रुपये की या इससे ज़्यादा मुनाफे पर, तो ये नाजायज़ हो जाएगा। मेरा ख्याल है 50 तो ठीक है, लेकिन अगर वो 100 की बेचेगा तो ये इंतहाई नाजायज़ मुनाफा है। तो अपने मुनाफे की हद को जो है वो देखना चाहिए कि आप कितना मुनाफा ले रहे हैं और कितना जायज़ ले रहे हैं। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। आज की जो हमारी लोकेशन थी वो अनारकली बाज़ार थी, आपको पता है ये बहुत मशहूर बाज़ार है, लोग आए हुए थे, शॉपिंग कर रहे थे, सख्त ठंड में भी आए हुए हैं, वैसे सख्त सर्दी में भी बाहर निकलने का अपना ही मज़ा है। लेकिन इसके साथ साथ वो लोग जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं सख्त सर्दी में, सख्त गर्मी में, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, उनकी प्लीज़ कदर करें, चाहे वो ख़वातीन हैं चाहे वो मर्द हैं, जो आपके लिए, जो अपने घर वालों के लिए बाहर निकले हुए हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए। जब वो घर आते हैं तो उनको अच्छे से मिलें, अच्छे मूड से मिलें, उनकी केयर करें, उन्हें एक पानी का ग्लास पूछ लें, कोई हर्ज नहीं है इस तरह कर लेने में। और जाते जाते मैं आज के सवाल का जवाब देती जाऊँगी कि वो क्या चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमरीका से आ गया, तो वो है वक्त। वक्त हमारा जो है वो अमेरिका से आगे है। आपने अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना नहीं भूलना, हमेशा की तरह बूझो तो जीतो, जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पे। इसके अलावा अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मानूर कुरैशी ऑफिशियल, तो मुझे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में, फिल वक्त के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।